जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिन मैंने ग्रीस वर्क परमिट के बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर जो है ना मैंने बताया था कि वीज़ा इशू इतनी गंदी है, यानी कि ना होने के बराबर है। तो उसके नीचे जो है ना कुछ एजेंट माफिया वो कमेंट्स करते हैं, जी आप लोगों को गलत गाइड करते हैं, ग्रीस की तो वीज़ा इशू बहुत अच्छी है। मुझे बताएं कौन सी वीज़ा इशू वो बहुत अच्छी है, मुझे बताएं ना ज़रा। ठीक है, 200 में से एक बंदे का वीज़ा स्टैंप होता है, इसको वीज़ा इशू अच्छी बोलते हैं आप? ठीक है, वीज़ा इशू अच्छी वो होती है जिसमें जो है 100 में से कम जो है ना 40% तो होनी चाहिए ना, 40% नहीं तो 20% ही हो, लेकिन ये तो 100 में से 1 या 2% है, तो इसको अच्छी बोलते हैं आप? जो बंदा इतने पैसे अपने ये हुआ है, पहले जो है 300 यूरो वकील का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, जो एम्बेसी की फ़ीस और फिर टाइम, इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद जब उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसको पता है उसके ऊपर क्या बीतती है। ठीक है, आपका क्या जाता है या मेरा क्या जाता है? ठीक है, उसके घर वालों को। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तानियों को जो सबसे मेन मसला वो ये है कि जब वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं, सारी उम्मीद जो है ना वीज़े के ऊपर लगा देते हैं, जब वीज़ा नहीं लगता तो उनकी कितनी उम्मीदें टूटती है। यहाँ तक कि लोग जो है ना इतने हसासे कमतरी की बातें करती है कि छोड़ दे बात। ठीक है, तो खुदारा लोगों को जो है ना मिस गाइड मत करे, वीज़ा इशू बहुत गंदी है, कोई भी बंदा जो है ना ग्रीस का वीज़ा मत अप्लाई करे जब तक ग्रीस एम्बेसडर का दिमाग दुरुस्त नहीं होता। बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, मेरा कुछ जाना नहीं है, आपका कुछ रहना नहीं है।